तो आज हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। तो जय श्री कृष्ण। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी की शादी वासुदेव से होने के बाद जब वो कंस उन्हें रथ से ले जा तो ही एक आकाशवाणी हुई, जिसमें आकाशवाणी ने बोला कि कंस तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और वो इस प्रकार होगी कि देवकी का ही बच्चा तुम्हें मारेगा उसका आटा भूत। इसे सुनकर जो कंस था वो बहुत ही अचंभित रह गया और उसने सोचा कि अपनी बहन को ही क्यों ना मार डाला जाए, फिर तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो उसने ऐसा ही कर वो अपनी बहन को मारने चला, पर तभी उसके पति वासुदेव ने उसे रोक दिया। तो कंस ने कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, तुम मुझे नहीं रोक सकते इसे मारने से। तो वासुदेव ने बोला, हे तुम रुक जाओ, पहले मेरी सुन लो। तो कंस बोलता है, बोलो क्या है। तो वासुदेव बोलते हैं, तुम अपनी बहन को मार के क्यों पाप करना चाहते हो, बच्चा होगा तो तुम उसे मार लेना। तो कंस कहता है, तुम वादा करो। तो वो वासुदेव कहता है, हम वादा करते हैं कि जो भी बच्चा होगा वो तुम्हारे हाथों मरेगा। तो इसी में कंस बहुत खुश हो जाता है और ऐसा ही होता है। पर वो वासुदेव और अपनी बहन देवकी को जेल में कालकोठरी यानी कि बंद कर देता है, उन्हें जेल में बंद कर देता है। उनका पहला पुत्र होता है वो भी मारा जाता है, ऐसी दूसरा होता है वो भी मर जाता है, ऐसी सारे के सारे 7 पुत्र मर जाते हैं। तभी श्री कृष्ण जी आते हैं और वो कहते हैं, यह पुत्र मैंने बनाया है, यह पुत्र तुम्हारी सारी समस्या दूर करेगा। वासुदेव तुम एक काम करो, इसे जाके अपने नदी के उस भाग वाले गांव में अपने मित्र नंद को दे आओ और उनकी जो बेटी होगी वो तुम यहाँ ले आओ। वासुदेव जी ऐसी करते हैं, प्रणाम करते हैं और श्री कृष्ण जी चले जाते हैं। तो वो तुरंत टोकरी में, जैसे ही वो टोकरी में लेते हैं उनकी हथकड़ी खुल जाती है और सारे के सारे सिपाही सो जाते हैं और दरवाजे खुल जाते हैं, वो चलते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही होती है और उनके बच्चा भीग रहा होता है, पर बच्चा भीगे ना इसलिए ऊपर से सांप उन्हें ढक लेते हैं। तो वासुदेव समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत दिव्य है, ये भगवान है कोई। जब वो नदी पार कर ले तो यशोदा को अपना बच्चा ले दे देते हैं और उनकी बेटी जो होती है उन्हें ले लेते हैं। उसके बाद फिर क्या था, कंस उसे मार डालता है, पर जैसे वो उसे उठाने की कोशिश करता है वो लक्ष्मी रूप में प्रस्थित हो जाती हैं और कहती हैं, अरे दुष्ट, तू क्या मुझे मारेगा, तेरा मरण करने वाला तो हो चुका है पैदा, अब तू जान ले। और वो आकाशवाणी फिर से चली जाती है। कृष्ण जी ने बहुत सारे अद्भुत चीज़ें करी हैं, जैसे नाग को मारा है, वो भगवान थे इसलिए उनने गोवर्धन पर्वत भी उठाया है और इंद्र की जगह गोवर्धन पूजा के लिए पूजा करने के लिए बोला। उनने अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए कंस की धुलाई और यहाँ तक कि उन्हें मार भी डाला है कंस को, और वो इसी तरह अपने माता पिता से जा मिलते हैं।